हेलो एवरीवन मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट सेकंड आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्टडी कॉमर्स डॉट नेट यहाँ क्विजिज सेक्शन में आपको वेरियस क्विजेज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए और हमारी कोर्सेज की डिटेल्स प्लस हमारे वीडियोज भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ हमें कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि सही कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है पहला है मैक्रो एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नेशनल इनकम एंड पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड है बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस एथिक्स पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस थर्ड है बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट माइक्रो एन्वायरमेंट सप्लायर्स और फोर्थ है मैक्रो एन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फर्दर डिवाइड किया जाता है माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कि यह कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस को इफेक्ट करते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऐसे फैक्टर्स को कंट्रोलेबल फैक्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है और कुछ हद तक इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कि स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर पर्सनल कैपेबिलिटीज़ मार्केटिंग कैपेबिलिटी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ जो कि बिज़नेस की हैं दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि अनकंट्रोलेबल है या आप कह सकते हैं ये अनप्रिडिक्टेबल है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस कि तरीके के चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएंगे इसमें भी स्पेशली हम मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं इनमें किस प्रकार से चेंज आएगा इसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है माइक्रो एन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि बिज़नेस पर इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं जैसे कि सप्लायर्स सप्लायर्स क्या हैं इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं अगर सप्लायर्स रॉ मटेरियल को सप्लाई करना बंद कर दें या अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर देते हैं तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होंगी तो ये इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट यानी क्या है कि एक लार्ज स्केल पर या आप कह सकते हैं बड़े स्तर पर जो चीज़ें चेंज होती हैं वो जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में सप्लायर्स हो सकते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज हैं कॉम्पिटिटर कस्टमर मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट हो सकता है आपका इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल लीगल कल्चरल ये सारे फैक्टर्स क्या हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं जो कि बिजनेसिस को एक बहुत बड़े स्केल पर इफेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन की पॉलिसी को चेंज कर देती है तो इसका एक बड़ा इफेक्ट बिजनेसेस पे देखने को मिलता है वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं पहला है मैक्रो एन्वायरमेंट इसका पार्ट है इकोनॉमिक एन्वायरमेंट इसके अंतर्गत नेशनल इनकम डिस्कस किया जाता है जो कि पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताता है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दूसरा है बिजनेस इन्वायरमेंट इसका पार्ट है इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है बिजनेस एथिक्स जिसमें पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस की बात की जाती है तो ये भी करेक्ट है थर्ड है बिजनेस एनवायरमेंट इसका एक पार्ट एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी है जिसमें माइक्रो एन्वायरमेंट आता है और माइक्रो एन्वायरमेंट में सप्लायर्स आते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और फोर्थ यहां दिया है पहले दे दिया है यहाँ पे माइक्रो एनवायरमेंट फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंट फिर कस्टमर फिर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट है माइक्रो एन्वायरमेंट ना कि माइक्रो एन्वायरमेंट का पार्ट है एक्सटर्नल एनवायरमेंट नेक्स्ट कस्टमर्स माइक्रो एन्वायरमेंट नहीं बल्कि माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड दूसरा है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और फोर्थ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसके बारे में जान लेते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको मॉनिटर करने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ये एक बेसिक पॉलिसी और स्ट्रेटजीज को बनाता है जिसके थ्रू एक्सपोर्ट्स और ट्रेड को प्रमोट किया जा सकता है इन ट्रेड पॉलिसीज़ को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है ताकि एज़ पर करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड होते हैं उनके अनुसार इनमें चेंजेस की अगर ज़रूरत हो तो वो चेंजेस लाए जा सकें ट्रेड पॉलिसीज़ में यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं मिस्टर पीयूष गोयल हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स किस तरीके से काम करता है इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक हेड होते हैं सेक्रेटरी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होते हैं एक स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं एक स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं है, तीन एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं टू एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर्स होते हैं थर्टीन जॉइंट सेक्रेटरीज एंड जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होते हैं और कुछ सीनियर ऑफिसर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड है फॉरेन ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है स्टेट ट्रेडिंग है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्टार्ट किया गया था फर्स्ट अप्रैल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं कैसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बाकी कंट्री से जो ट्रेड लॉज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बाकी कंट्री से मतलब है कि एक ही कंट्री में इन एरियाज में जो एस ई जेड्स होते हैं इन एरियाज़ की जो ट्रेड पॉलिसी होती है वो रेस्ट ऑफ दी कंट्री से अलग होती है जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना इंडिया में कुछ ऐसी हैं जैसे कि सेंटा क्रूज है महाराष्ट्र में और कोच केरला में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न कंपनी इन इंडिया गेल सेल सी आई एल या ऑयल तो इनमें से महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है डी यहां करेक्ट होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड ये एक महारत्न कंपनी नहीं है बल्कि ये एक नवरत्न कंपनी है तीन कैटेगरीज आप देखते हैं एक है नवरत्न दूसरी है महारत्न और थर्ड है मिनी रत्न 1997 से जो पी एस हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि एक्सेप्शनली अच्छा काम करती हैं उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए उनके एफर्ट्स को रिकोगनाइज करने के लिए नवरत्न की उपाधि देना स्टार्ट किया गया था कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनी नवरत्न होगी कौन सी महारत्न और कौन सी मिनी रत्न चौदह नवरत्न कंपनीज हैं दस महारत्न कंपनीज हैं और सेवेंटी फोर मिनी रत्न कंपनीज हैं किसी भी कंपनी को महारत्न बनने के लिए सबसे पहले नवरत्न होना जरूरी है उसके बाद ही वो महारत्न कंपनी बनती है महारत्न कंपनीज टोटल दस हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सी आई एल गेल इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एन टी पी सी लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सारी महारत्न कंपनियाँ हैं गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये इसका प्रायर नाम था अब इसको गेल इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है इसे फर्स्ट फेबररी 2013 को महारत्न की उपाधि मिली थी सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नाइनटीन मे 2010 को महारत्न की उपाधि मिली थी और सी आई एल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड अप्रैल 2011 में महारत्न की उपाधि दी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म इनमें से कैपिटलिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पहला है इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विद लीस्ट सेक्रीफाइज और कॉस्ट दूसरा है द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट थर्ड है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एम्प्लॉयज कंपीट अमंग अमंगल एज द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड और फोर्थ है प्राइस द इनविजिबल हैंड प्लेज प्री डोमिनेंट रोल इन द फ्लो ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सबसे पहले कैपिटलिज्म के बारे में जान लेते हैं कैपिटलिज्म को हम प्री इंटरप्राइज इकोनॉमी भी कहते हैं एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर और जो काम किया जाता है वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया जाता है ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है सेल्फ इंटरेस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है कैपिटलिज्म का और यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखने को मिलता है कुछ फीचर्स हैं पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म में आपको प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलता है दूसरा है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस यानी कि हर पर्सन को यह अधिकार होता है कि वो अपनी चॉइस के इंटरप्राइज को स्टार्ट कर सकता है थर्ड है प्रॉफिट मोटिव जहां प्राइवेट इंटरप्राइज की बात आती है वहां पे मेन जो मोटिव होता है काम करने का वो होता है प्रॉफिट नेक्स्ट है कंपटीशन, कैपिटलिज्म में जो ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं इन सब के बीच में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है ऑन्टरप्रन्योर्स कम्पीट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए और जो कंज्यूमर्स हैं वो कम्पीट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट एंड प्राइजेस यहाँ पर जो प्राइस होती है ये डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर तय की जाती है और नेक्स्ट है एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है सिंपली हम कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म में जो फॉर्म्स हैं फैक्ट्रीज़ हैं या अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करना होता है तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं पहला ऑप्शन इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विद लीस सेक्रीफाइज और कॉस्ट ये कैपिटलिज्म का एक फीचर है दूसरा है कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाई गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ये सही आंसर होगा क्योंकि ये कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है थर्ड देख लेते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर एम्प्लॉयज कंपीट अमंग देम कैपिटलिज्म का फ्यूचर है और प्राइस द इनविजिबल हैंड प्लेस प्री डोमिनेंट रोल इन फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिज्म का तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा क्योंकि कैपिटलिज्म में आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलता है और सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन किए जाते हैं प्राइवेट ओनर्स के द्वारा Next question is, which of the following is not the salient feature of industrial policy development since 1991? First option is, the scope of private sector has been enormously expanded. Second, public sector has been withdrawing partially or fully from several of the enterprises by disinvestment. Third, is, the Indian industry is increasingly exposed to foreign competition. Fourth, the monopoly or dominant position of public sector in most of the industries and control ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय पब्लिक सेक्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इन द ईयर 1991 उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वी नरसिम्हा राव इस पॉलिसी के द्वारा पहली बार ग्लोबल एक्सपोजर के लिए इंडिया को ओपन अप किया यानी ग्लोबल बिजनेस में इंडिया अपने आप को आगे लेकर के आया इसके थ्रू रिडक्शन किया गया इम्पोर्ट ड्यूटीज में और कई जो रिजर्व सेक्टर्स थे उनको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए यानी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन किया गया इंडियन करेंसी को डिवेल्यूट किया गया ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके इसको पॉपुलरली कहा जाता है एल पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी उस समय फिनंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्हें फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 24 जुलाई 1991 में फीचर देख लेते हैं क्या क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी के लाइसेंस सिस्टम को एंड करना जो लाइसेंस लगाया गया चीज़ों पर उसको कम किया गया प्राइवेट ओनर्स को एंट्री मिली ऐसे रिजर्व सेक्टर्स थे जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट काम करती थी उसमें प्राइवेट ओनर्स को भी इंक्लूड किया गया एफ आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया यानी कि बाहर की कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी नेक्स्ट है टैक्सेशन में कमी की गई सब्सिडीज़ बढ़ाई गई एल पॉलिसी आई इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली थी उसको गवर्नमेंट ने हटाया और प्राइवेट ओनर्स को आने का मौका दिया कुछ चीज़ों को रिजर्व करते हुए तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में अपनी जो डोमिनेंट पोजिशन है उसको बढ़ाया जो कि सही नहीं है बल्कि मोनोपोली जो कंडीशन थी या मोनोपोली पोजीशन थी उसको हटाया गया उसको कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप किया गया कई इंडस्ट्रीज को कई सेक्टर्स को फॉलोइंग कंट्रीज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर चाइना मॉरिशस इसके बारे में देख लेते हैं टॉप इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021 तो टॉप इन्वेस्टर रहा है सिंगापुर टोटल एफ डी आई इन्फ्लो है उसका ट्वेंटी नाइन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सिंगापुर से आया है दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ये सेकेंड हाइस्ट इन्वेस्टर है इंडिया का थर्ड है मॉरिशस जिसने टोटल नाइन परसेंट शेयर दिया है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में यहां पे आप ध्यान दे सकते हैं पिछले दो डेकेट से मॉरिशस लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है एफडीआई का इंडिया में इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो वहां पर आपको आंसर मॉरिशस दिया हुआ होगा लेकिन ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर है वो सिंगापुर है इसके अलावा कई और कंट्रीज हैं यू ए है नीदरलैंड है जापान है जर्मनी है, है ये सब भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया किस कंट्री से आता है तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा सिंगापुर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फॉर्म में है पहला स्टेटमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज कैन बोरो मोर देन देयर कोटा अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ आईएमएफ स्टेटमेंट टू है द ईएफएफ वाज क्रिएटेड इन 1984 टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ थ्री इयर्स चार ऑप्शंस दिए हैं स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट सबसे पहले ई के बारे में जान लेते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के द्वारा दी जाती है ये 1974 में स्टार्ट किया गया था ताकि जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज झेल रही हैं लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में उनको फैसिलिटी दी जा सके उनको हेल्प प्रोवाइड की जा सके ई एफ एफ रिकमेंड किया जाता है ऐसी कंट्रीज को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रही हूँ ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चरल चेंज ई एफ एफ लॉन्गर पीरियड के लिए होता है बेसिकली तीन साल के लिए होता है कभी कभी चार साल के लिए भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है रीपेमेंट का टाइम पीरियड होता है वो साढ़े चार साल से दस साल तक का होता है और बारह सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में इस पेमेंट को दिया जाता है तो वापस से हम क्वेश्चन पर आते हैं स्टेटमेंट वन था कि ई एफ एफ क्या है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि अपने कोटे से ज़्यादा पैसा बोरो कर सकती हैं तो ये सही है करेक्ट है जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से गुजर रही है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्राइसिस से गुजर रही है तो वो आई से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंतर्गत पैसे ले सकती है जो लगभग तीन साल के लिए दिया जाता है और इसको चार साल तक के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है और जो रीपेमेंट का टाइम होता है वो लंबा होता है स्टेटमेंट टू दिया है कि ई एफ को 1984 में क्रिएट किया गया था और ये करीब तीन साल तक के लिए होता है तो ये ऑप्शन गलत है ई को एक्चुअली में नाइनटीन में क्रिएट किया गया था और तीन साल से चार साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट वन विद लिस्ट टू लिस्ट वन में आपको थियोरी दी गई हैं और लिस्ट टू में दिया गया है कि किसने इस थियरी को दिया है सबसे पहला है कंपेरेटिव कॉस्ट थियोरी यह दिया है डेविड रिकार्डो ने दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियोरी यह दिया है गॉड फ्राइड हार्बरलर ने तो थर्ड है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दिया है और ओलिन ने और एब्सोल्यूट कॉस्ट थियोरी ये दिया है एडम स्मिथ ने तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर फुल मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान आसियान की इनमें से कौन सी फुल मेंबर कंट्रीज हैं ब्रुनाई कंबोडिया वियतनाम म्यांमार या फिर श्रीलंका आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये एक साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एसोसिएशन है जिसमें टेन कंट्रीज आती हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड हैं ये प्रमोट करती हैं इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी एजुकेशन और सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन इट्स मेंबर कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ इन एशिया इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसका सेक्रेटरिएट है जकार्ता इंडोनेशिया में फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान है इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर और थाईलैंड इसमें टोटल टेन मेंबर्स हैं और टू ऑब्जर्वर्स हैं इसका मोटो है वन 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 विजन आइडेंटिटी कम्युनिटी सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक होई मेंबर्स कौन कौन से आसियान के ब्रुनाई कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर म्यांमार थाईलैंड और वियतनाम तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से इसमें से आसियान के मेंबर्स हैं तो ब्रुनाई है कम्बोडिया है वियतनाम है और म्यांमार भी मेंबर है आसियान का श्रीलंका यहाँ पर आसियान का मेंबर नहीं है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एन अटेम्प्ट टू अचीव बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट सेकेंड दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंसिंग थर्ड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ सफिशियंट सरप्लस बजट थ्रू स्टॉक ऑफ कैपिटल असेट्स इंक्लूडिंग लैंड यहां में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व कर प्रोटेक्ट करते हुए ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी जो रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकें यानी हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हमारी प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करना जबकि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड नहीं है तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा यू जी सी नेट पेपर सेकेंड में बिजनेस एन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट सेकेंड होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी थैंक यू